हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास टेंथ से रिलेटिव चैप्टर नंबर 3 द गंगा लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि मैं इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी पहला पार्ट इसका पढ़ा चुका हूँ। चूँकि चैप्टर पार्ट वाइज बना रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें और पढ़ने में आप बोर ना हो। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फिर चैप्टर को हमें कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि लास्ट पैसेज हमें देखना है, पैसेज नंबर 5, और ये पार्ट 2 बनने वाला है वीडियो। फिर देखते हैं यहाँ जैसा कि लिखा है, एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब छोड़ देना, त्याग देना। मच पास्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनजीएस दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ ऑल सकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ दैम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्प्रिट। आइए देखते हैं फिर। कर एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड मच पास्ट ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। और यद्यपि, एंड दाउ मतलब होता है और, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। और यद्यपि मैंने अधिकतर प्राचीन, या अधिक कह सकते हैं, या काफ़ी प्राचीन परंपराएं और कस्टम मतलब होता है रीति रिवाजों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। उनके अधिकांश भागों को क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया है। एंड एन एनजीएस दैट, और मैं इस बात से उत्सुक हूँ कि, दैट का मतलब होता है कि, इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ ऑल सकल्स, कि भारत अपने आप को, स्वयं को, भारत मतलब भारत इंडिया स्वयं को उन बेड़ियों से, सकल्स मतलब होता है बेड़ियों से, क्या कर लिया है, मुक्त कर लिया है। दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर, जो उसे बाधती है या बाध्य करती है। एंड डिवाइड हर पीपुल, और उनके लोगों का विभाजन करती है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और संख्याओं में उनका क्या करती है, दमन करती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पीच, मतलब यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ लिखा है देखिए, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पीड, मतलब शरीर के स्वतंत्र विकास को, आत्मा व शरीर के स्वतंत्र विकास को क्या करती है, रोकती है। आगे फिर देखते हैं, दाउ आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट कट टू विश टू कट माई सेल्फ ऑफ ऑल ऑफ दैट फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। यहाँ कहना चाहते हैं, दाउ आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, और यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूँ, दाउ आई सीक ऑल दिस, और यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूँ, फिर भी, येट का मतलब होता है यहाँ पर फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, कि मैं स्वयं को संपूर्ण उस मतलब अतीत से अलग नहीं करना चाहता, मतलब उस अतीत से मैं क्या अपने आप को, अतीत को पूर्ण रूपेण मैं क्या अलग, उससे अलग अपने आप को नहीं करना चाहता। फिर कह रहे हैं, आई टू, मैं भी एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट हेरिटेंस, और मुझे भी उस महान विरासत पर क्या है, गर्व है, that has been and is ours and I am concerned that I too like all of us am a link in unbroken chain which goes back to the dawn of the history of in the immemorable past of India। यहाँ कब लेखक अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहना चाहते हैं कि I am
आई एम कॉन्शियस एंड आई एम कॉन्शियस डैट, मैं इस बात से उत्सुक हूँ अर्थात मैं इस बात से क्या हूँ निश्चित हूँ कि आई टू एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट हेरिटेज, मैं उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, हैज़ बीन इज़ और है आवर्स। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि मैं भी अन्य लोगों की तरह एम अ लिंक इन अनब्रोकन चैन, उस कभी न टूटने वाले जंजीर का ही क्या हूँ, मैं भी एक कड़ी हूँ। विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अति प्राचीन स्मृति की क्या रही है प्रतीक रही है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं वह चैन को अर्थात उस जंजीर को नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ना चाहूँगा और मैं इसके बजाय मैं उससे प्रेरणा क्या करूँगा ग्रहण करूँगा, इंस्पायरेशन सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट का मतलब हुआ उससे प्रेरणा ग्रहण करूँगा। एज एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, यहाँ कवि का एक लेखक का कहना ये है और साथ ही साथ मैं आई यहाँ थोड़ा देखेंगे। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, मेरी और इच्छा अंतिम इच्छा कह सकते हैं, या विटनेस अभी मैं शब्द को छोड़ रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ इसको। एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और भारत के सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं या कार्यक्रम में मेरी क्या है अंतिम श्रद्धांजलि, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ दिस माई एसेस शुड थ्रोन इन टू गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेटेस्ट ओशियन दैट वॉज इंडिया शोर। एक बार और देखते हैं। एंड एज विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, यहाँ मतलब कह रहे हैं कि मेरी और मेरी इस इच्छा में मेरी इस इच्छा एंड एज माई लास्ट होमस अंतिम श्रद्धांजलि होता है इसका मतलब टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, मतलब भारत के सांस्कृतिक विरासत में मेरे प्रति मतलब के प्रति मेरा अंतिम क्या श्रद्धांजलि को साक्षी के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ डैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस शुड बी थ्रोन इन टू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा में क्या करते विसर्जित कर दिया जाए मतलब इलाहाबाद के, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉज इंडिया सोन, और जो वो जाकर महासागर में क्या हो जाए चला जाए और भारत के विभिन्न समुद्र तटों को क्या कर दे समुद्र के तटों को धो डाले। आगे देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ दिस एसे शुड हाउ वेर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, और इसके जो बचे जो भाग है अधिकांश भाग को अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए, अन्य प्रकार से मतलब क्या किया जाए विसर्जित किया जाए, जो शेष बचा हुआ जो भाग मेरे अस्थि का है उसका। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहूँगा इसे हवाई जहाज के द्वारा ऊपर ले जाया जाए। एंड स्कैटर फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, और उस और वहाँ से ऊंचाई से क्या कर दिया जाए खेतों में क्या कर दिया जाए इसे स्कैटर्ड मतलब छिड़क दिया जाए। वेयर द पीसेंट ऑफ इंडिया ट्वेल, जहाँ पर भारत पीसेंट का मतलब फार्मर किसान से मतलब है, जहाँ पर भारतीय जो किसान होते हैं वह कड़ी मेहनत करते हैं। सो डैट दे माइट मिंगल विद डस्ट, ताकि वे मिट्टी में मिल जाए एंड सॉइल धूल और मिट्टी में मिल जाए ऑफ इंडिया, मतलब वो ताकि वे भारत के विभिन्न जगहों पर अर्थात भारत के धूल और मिट्टी में वह क्या मिल जाए मिट्टी में वह मिल जाए एंड बिकम इन एंड इन डिस्टिंक्यूजेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का वह अभिन्न अंग बन जाए। फिर यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू लास्ट अपना बात बोले हैं। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन
21st day of June in the year 1954। मतलब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र विल और टेस्टामेंट, यहाँ पर विल इच्छा और टेस्टामेंट वसीयतनामा वो दिल्ली में 21 जून 1954 को क्या लिखा है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें।